हेलो फूडीज़, वेलकम टू केबीजी वीडियोस। मैं वंदना, आप सब कैसे हैं? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज जो हम रेसिपी लाए हैं वो है ग्रीन बीन्स की सब्जी, जो बहुत ही आसान है। और यदि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ये रेसिपी जैसे हमने बनाई है, तो डेफिनेटली आपकी ये सब्जी डिलीशियस ज़रूर बनेगी। तो आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। सो हमने यहाँ पे हाफ के जी बीन्स लिए हैं, इन्हें धो के इस तरह चॉप किया। टू हमने पोटैटोज लिए हैं, ये हमने वैसे लिया है, इसमें हमने पानी भर के रखा है। हम बीन्स को स्टीम करेंगे हेल्दी बनाने के लिए। ये जो छन्नी है इसमें रख के हम इसे स्टीम करेंगे। आप इसमें रख दीजिए पोटैटो एंड चॉप्ड बीन्स को, इस तरीके से इसके ऊपर रख के मीडियम फ्लेम में हम इसे रख देंगे। अराउंड 10-15 मिनट्स लगेंगे इसे स्टीम होने में। आप 10 मिनट्स के बाद इसको चेक कर लीजिएगा नाइफ से स्टीम हुए या नहीं। सो गाइस, अराउंड 10 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे ये प्रॉपर कुक हुए कि नहीं। देखिए नाइफ से इजीली पोटैटो चॉप हो रहे हैं एंड बीन्स भी प्रॉपर कुक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये इनको ऐसे ओपन लिड करके रख देंगे। और ये जो पानी है इसको फेंकिएगा मत, इसको हम जब वैसे अपनी सब्जी बनाएंगे तब यूज़ करेंगे। ये हमने सारी सब्जियाँ ली हैं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कीजिएगा, सबको चॉप कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे अराउंड 3 टेबल स्पून मीडियम फ्लेम में ऑयल ऐड कर दिए। जब ऑयल हॉट हो जाएगा तो हमने पहले गार्लिक डाले, गार्लिक को हल्का सा रोस्ट होने के बाद जिंजर डाल दीजिएगा, दोनों को कुक कीजिएगा। जीरा डाल दीजिए 1 टेबल स्पून, तिली डाल दीजिए। तिली इज़ अ की गाइस, तिली डालने से ना इसका टेस्ट एनहेंस होगा। चॉप्ड चिली डाल दीजिए, अनियन डाल दीजिए चॉप्ड, इसको अच्छे से घुमाइए। थोड़ी देर बाद हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा सॉल्ट डालेंगे ताकि ये क्या होगा जल्दी कुक हो जाएंगी। एंड थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, हल्दी कलर के लिए डाला है, अभी अनियन में इसका कलर आएगा। आप क्या करेंगे, लाइट ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे, देन फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। देखिए कलर चेंज हो रहा है इसका, अब मसाले डाल देंगे। हमने यहाँ पे धनिया डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, अपने टेस्ट से ले लीजिएगा मिर्ची। एंड अब डालें आमचूर पाउडर, आमचूर क्या टैंगी टेस्ट देगा। एंड ये हल्दी डाल दिया अराउंड 1/4 टेबल स्पून, स्टेयर वेल कीजिए, अराउंड 2 मिनट तक इनको पकाइए। सो गाइस, अराउंड 2 मिनट्स हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें जो चॉप्ड टमेटोज थे वो डाल देंगे एंड इसको हम पूरा प्रॉपरली घुमा के मिला देंगे, मसाले पूरे टमेटोज में रैप कर देंगे। एंड इधर हमने सॉल्ट डाला जिससे जो टमेटोज हैं वो जल्दी कुक हो जाए। अराउंड इनको 2-3 मिनट्स लगेंगे पकने में, तो लिड हम क्लोज कर देते हैं एंड इनको पकने देते हैं। अब क्या है, हम इस पर कस्तूरी मेथी डालेंगे अराउंड 1 मिनट के बाद। कस्तूरी मेथी आप थोड़ा हैंड से क्रश कर लीजिएगा एंड देन डाल लीजिएगा, मिक्स वेल कर लीजिए। बीच बीच में चेक करते जाइए कि टमेटोज कुक्ड हुए हैं नहीं। सो गाइज, अराउंड ऑलमोस्ट टमेटो कुक हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, इनमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि ये मसाले एंड टमेटो का प्रॉपर जो उबलेंगे मसाले टमेटोज के साथ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसको अराउंड 2-3 मिनट पकाइए, 2-3 मिनट के बाद अराउंड ऐसे दिखेगा पूरा ग्रेवी। सो हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी कम हो जाए जब उसका, तब हम क्या करेंगे ये बीन्स इसमें ऐड कर देंगे जो स्टीम बीन्स थी। प्रॉपर मिक्स कीजिएगा एंड लिड कवर करके इसको अराउंड 2-3 मिनट्स पकाइएगा। बीच बीच में चेक कर लीजिएगा
जब इसका पानी कम हो जाएगा गाइस, तब हम इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला सबसे आखिरी में डाला जाता है, ये है गरम मसाला। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, बस ऑलमोस्ट रेडी है हमारी सब्जी। टेक केयर आउट, आफ्टर 2 मिनट्स के बाद सब्जी कुछ ऐसी दिखेगी, पानी ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। अब आप बीन्स चेक कर दीजिए एंड फ्लेम ऑफ कर दीजिए। सब्जी प्रॉपर कुक हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसमें 2 मिनट रहने देंगे, फिर हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे, फिर हम इसको हॉट सर्व करके इंजॉय करेंगे। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप इसको पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, खाइए, खिलाइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा गाइज। आपसे मैं अगले वीडियो पे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।